बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमें याद आती है माँ, रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ, लफ्ज़ों में जिसे बयां नहीं किया जाए वो होती है माँ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे, नहीं भी होंगे तो भी कूल भी हैप्पी, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लोगों में भी खुशियाँ बांटे। आज के व्लॉग में मम्मी की एक स्पेशल रेसिपी है जो शिमला मिर्च मसाला भर के बनाती है, वो मैंने कभी बनाई नहीं है, तो मम्मी बनाती है तो मैंने आज उसको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ 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 मुझे शूट करना है, तो प्लीज़ तू प्लीज़ वो बना और हमें दिखा वीडियो में कैसे बनता है, तो इसलिए मैंने उसको काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो रेडी हुई। बट यहाँ पे हो गई है गड़बड़, वो काट रही थी शिमला मिर्च और मैं उसको बताना भूल गई कि ग्रीन कलर का चाकू ना ले, और यहाँ पे उसने वही चाकू लिया था, मेरा भी ध्यान नहीं था, बट जब उसकी उंगली कटी तब मुझे ध्यान आया और इस वजह से मुझे बहुत मुझ पे ही गुस्सा आ रहा था। बट मैं जल्दी से गई, डेटॉल लाई, डेटॉल में उसका थोड़ा सा हाथ जो है उंगली को बोला मैंने थोड़ा डुबा ले क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा था और उसके वजह से उसको पेन भी हो रहा होगा, बट वो दिखाएगी नहीं। वैसे ही मम्मी को कैमरा के सामने कुछ करना नहीं था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया था और उसके बाद ये ऐसा हुआ, तो बट उसने मुझे कुछ बोला नहीं। एक्चुअली मैंने ही वो चाकू को ध्यान नहीं दिया कि कौन सा चाकू ले रही है, और मैं कटिंग करके देने वाली थी बट मुझे पता नहीं था कि वो कैसा कटिंग करती, इसलिए वो कट कर रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने जो भी दो शिमला मिर्ची बची थी उसको कट करने के लिए मैंने बोला कि तू अभी कुछ कर मत, मैं आती हूँ मैं करती हूँ। तो उसके बाद फिर उसने निकाल के रखी जो बची थी शिमला मिर्च, तो उसको मैंने कट करने के लिए मैं आई थी, पर फिर भी ब्लीडिंग गिर रहा था और नीचे भी गिर रहा था फर्श पे, तो मम्मी वहाँ पे भी पहुँच रही थी। और फिर मैं आई और मैंने यहाँ पे जैसे उसको चाहिए जैसे कटोरी जैसा उसने उसको बीच का जो उसका वो रहता है डेट रहता है वो निकाल के उसकी जो मिर्ची के अंदर की जो क्या बोलते बीज रहते हैं वो बीज निकाले, और उसके बाद जैसे कटोरी जैसा उसको बनाना था वैसे मैंने उसको बना के दिया, काट के दिया जैसा उसको चाहिए था। और उसने यहाँ पे ग्राइंड भी कुछ किया था, सिंगदाना, कोबरा और कुछ मसाले वो मिक्स करेगी इसके बाद, शायद पहले कुछ मिक्स नहीं किया, तो सिंगदाना कोबरा भूजा हुआ रहता है उसको कट करके रखी थी और उसको जैसा वो खाली खाली करके चाहिए था वाटी टाइप वैसे किया था। और यहाँ पे ना मम्मी देख रही थी कि मैंने सही से काटा है कि नहीं, उसको लगा मैं यहाँ पे हूँ नहीं, बढ़िया कैमरा ने सब कुछ कैप्चर कर लिया है, मम्मी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं था शायद कि मैं कैसे कटिंग करूँगी। बट मैं गई थी बैंडेड ढूंढने, मैं जोक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बड़ी देर बाद बैंडेड मिला तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले लगा देती हूँ क्योंकि फिर बाद में उसमें कुछ मिर्च मसाला वगैरह लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा जलेगा और पेन भी होगा, तो वो सही नहीं लग रहा था मुझे। बड़ी मुश्किल से मैंने ये बैंडेड ढूंढी और वो भी मुझे मेरे पिल्लू के ड्रॉवर से मिली, मैंने रखा होगा वहाँ पे कभी, तो मुझे अभी सडनली याद आया कि कहीं एक आध होना चाहिए, तो मिला थैंक गॉड, नहीं तो मुझे फिर जाके नीचे जाके मेडिकल जाना पड़ता, चेंज करना पड़ता और मुझे फिर नीचे जाना चेंज करना, तो पिल्लू सोया है और मेरे पास आज आए हैं दो पिल्लू हैं, आज हमारे पास मेरी हमारी परी भी आई है जो कि बदलापुर में रहते हैं, मेरे राखी ब्रदर की बेटी है, वो लोग भी आने वाले हैं ऑफिस से। मॉर्निंग में जब ऑफिस आया था मेरा भाई तो उसने मेरे यहाँ पे छोड़ के गया परी को, और अभी परी दिन भर थोड़ा खेली कूदी मेरी पिल्लू के साथ खेली, तो वो एक्साइटेड थी और अब वो थक गई थी तो वो सो गई थी, तो दोनों भी सोए थे, तो मैं यहाँ पे मैं और मम्मी फटाफट फ्री थे तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं मम्मी को दे रही थी कुछ मसाले, मम्मी को मसाले गरम मसाला चाहिए था, लाल मिर्च चाहिए था, हल्दी चाहिए था, जो जो चाहिए था वो सब मैंने यहाँ पे उसको डिब्बा, मेरे को यहाँ पे ना मसाले का डिब्बा चेंज करना है, मैं हर हफ्ते डिसाइड करती हूँ मसाले का डिब्बा चेंज करूँगी, बट मेरा किचन क्लीनिंग के बाद ही मैं ये करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं मम्मी को सब बता भी रही थी, ये लाल मसाला है, ये नमक है, ये हल्दी है, ये गरम मसाला है, और उसको चाहिए था गूढ़ा मसाला, वो मेरे पास अवेलेबल था तो उसका पैकेट मैंने फोड़ा और मम्मी को उसका भी वो मसाला निकाल के दिया, क्योंकि गूढ़ा मसाला जो है हमारे स्पेशली महाराष्ट्रियन रेसिपी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके लिए उसको वो मसाला चाहिए था, वो भी मैंने उसको ढूंढ के दिया और उसके बाद वो मसाला भी उसको सब्जी में ऐड करना था। तो अब वो यहाँ पे शिमला मिर्च में उसको जो जो चाहिए थे मसाले वो मैंने यहाँ पे दे दिए थे, अब आगे की प्रोसेस को क्या करेगी वो मुझे देखना है, लेट्स सी, मुझे भी सीखना है, आप भी देखिए। शायद
यहाँ पे मम्मी ने जो सूखा खोबरा होता है वो और सिंगदाना उसका ग्राइंड करके लिया है, भूजा था उसको रेड होके, उसमें नमक डाला है, रेड मसाला, गोड़ा मसाला, हल्दी और धना पाउडर, जीरा पाउडर, और इसमें अच्छे से मिक्स किया है, मतलब वही मिक्स करके वो मसाला वो इसमें ये जो शिमला मिर्च में है एज इट इज़ उसने भर दिया है। काफ़ी इजी रेसिपी लगी मुझे। बस अपने को मसाला वगैरह जो है वो अच्छे से भूजू, मतलब खोबरा सिंगदाना को भूज के वो करके रखना है, और कुछ मुझे कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं लग रहा है इस रेसिपी में, काफ़ी इजी रेसिपी है। और ये अभी खाने में कैसे लगेगी ये मुझे, मेरे मम्मी के घर पे खाई थी तब तो काफ़ी टेस्टी बनी थी, बट अभी आज देखते हैं अपने यहाँ पे कैसे बनती, क्योंकि हर किसी के घर के मसाले अलग होते हैं, जैसे मम्मी के घर का मसाला अलग होता है, मेरे घर का मसाला अलग होता है, और टेक्निक भी होती है ना, हर कोई अपने अपने घर में जो बनाता है ना उसका स्वाद अलग ही होता है, दूसरों के किचन में थोड़ा समझने में मुश्किल आती है तो, बट फिर भी मम्मी ने तो बनाया है, लेट्स सी अच्छा ही बनेगा। अब मैं यहाँ पे साइड बाय साइड सोच रही कुकर भी लगा दूँ, क्योंकि ये लोग भी आएंगे तो भूखे रहेंगे, और यहाँ पे एक्चुअली उन लोग को जल्दी खाना खाने की आदत है, बट हम लोगों का यहाँ पे आदत हो गया है लेट खाना खाने की, क्योंकि हमारा जो वर्कलोड, हमारा काम और ये सारी चीज़ों की वजह से हमें वक्त पे सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल होती, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है कुछ भी करके। तो मैं यहाँ पे ले रही तुअर का दाल, मूंग का दाल, और उस हिसाब से एक एक चम्मच तुअर का दाल, एक एक चम्मच मूंग का दाल मिक्स करके दाल बनाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कैसे है ना, दाल जो बनती है ना वो सिर्फ तुअर की बनाऊँगी तो मुझे पित्त का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ तुअर की दाल खाने से मुझे हेडेक होता है, मुझे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो आप कि शिमला मिर्च कितना अच्छे से दिख रहे हैं। और यहाँ पे मेरे देवर जी भी आ गए, उन्होंने मुझे आलू और मिल्क लाके दिया, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मैंने उनको मैसेज किया था कि लाके देना याद से, उन्होंने सच में लाके दिया है। आलू बिल्कुल भी ख़त्म थे और दूध भी नहीं था, तो लाया मैंने साइड में, यहाँ पे चाय भी रख दिया उनके लिए, छोटा सा एक कप चाय बन जाए उस हिसाब से। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ टमाटर दाल में डालने के लिए, क्योंकि मैं जब दाल जब कुकर में लगाती हूँ तभी मैं टमाटर डालती हूँ, तभी मैं मिर्ची डालती हूँ, थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, और कुछ डालती हूँ क्या, नहीं इतना ही डालती हूँ, हाँ मिर्ची, हल्दी, टमाटर, नमक भी डालती हूँ और गुड़ भी डालती हूँ, बट गुड़ एकदम छोटा सा उसका जो ये रहेगा वही डालती, छोटा सा टुकड़ा डालती हूँ। तो और आज मैं ये जरा बड़े बर्तन में बना रही हूँ, क्योंकि आज स्वरा भी है, मनोज भी है, तो ये दोनों भी आएंगे। यहाँ पे मम्मी वेट करी चाय बनने का, मेरा कुकर लगने का, ताकि फिर वो गैस पे मम्मी भाजी बनाएगी। मैं यहाँ पे कुकर में डाल रही हूँ पानी, उसमें डालूँगी एक नींबू और नीचे डालूँगी जाली। यहाँ पे मम्मी चाय जो है वो बनाई है, तो वो चाय मेरे देवर जी को देगी, और कुछ नाश्ता होगा कुछ खाने के लिए तो वो देगी, ताकि उनका भी साइड बाई साइड चाय वगैरह होते रहे और हम भी खाना यहाँ पे बनता रहे, ताकि वो भी अभी थक के आए होंगे तो उनको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ तो चाहिए, तो मम्मी तब तक वो दे रही थी, तब तक मैं यहाँ पे कुकर की तैयारी कर रही हूँ। राइस वाइस धो दिया, राइस में नमक डाल दिया, एक तेज़पत्ता एक लौंग डालती हूँ। ये तेज़पत्ता लौंग डालने का रीज़न ये ना, राइस खाने में ठंडा होता है, और अगर तेज़पत्ता और लौंग अगर आप डालते हो और थोड़ी दालचीनी भी डालते हो तो आपका जो राइस का जो ठंडापन है ना वो वहाँ पे कहीं पढ़ा था मैंने कि वो कंट्रोल होता है, और उससे बोलते कई लोग के राइस से मोटापा आता है, तो वो भी वहाँ पे उसका असर नहीं होता, इसलिए मैं उसमें राइस में तेज़पत्ता, दालचीनी और एक लौंग ज़रूर डालती हूँ, हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि मैं को तो राइस खाना बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं राइस के बगैर नहीं जी सकती, रोटी के बगैर एक बार जी जाऊँगी पर राइस के बगैर नहीं जी सकती। अब यहाँ पे मम्मी ने ली है कढ़ाई, कढ़ाई में थोड़ा डाला है तेल, और तेल डालने के बाद वो उसमें डाल रही है जीरा, और थोड़ा सा उसने उसमें बड़ी सौंफ भी डाला है, बट बड़ी सौंफ जो है ना वो थोड़ा सा भूजा हुआ बड़ी सौंफ डाला है, तो ये जो ऐसा रख रही है वैसा मैं भी उसको रख रही हूँ,
ताकि फटाफट रख के एडजस्ट भी हो जाए। और मैं समझ भी गई कि कैसे बनाया है मम्मी ने, तो जो भी मसाला था उसका बचा हुआ थोड़ा सा कढ़ाई में वो भी उसने उसमें डाल दिया। अभी थाली में भी जो मसाला है वो भी शायद वो उसमें भरेगी। हाँ देखो उसने ऊपर ऊपर डाल दिया है। तो ये सच में बहुत ही यमी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। दाल राइस और भरी हुई शिमला मिर्च और चपाती रोटी भाकरी कोई भी चीज़ के साथ बहुत ही लजीज लगी। अब मैं यहाँ पे आटा जो है वो सान रही हूँ रोटी के लिए, ताकि रोटी भी अब ये भाजी और कुकर होने तक साइड बाई साइड आटा सान लूँगी तो फटाफट रोटी भी बना दूँगी। रोटी बनाने का ही सबसे ज़्यादा मुझका हेडेक रहता है बड़ा, बाकी तो क्योंकि सबसे ज़्यादा ना आटा सानती हो जो हाथ में जो आटा आटा लगता है ना वही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लगता है। बट ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, वो तो रोज का काम है तो करना ही है। तो यहाँ पे मेरी बातें भी चल रही थी, आटा भी सन रहा था, साइड बाई साइड सब्जी और कुकर भी हो रहा था, आटा मेरा सन के हो ही रहा था। उसमें मम्मी को देखना था कि कैसे बनी है सब्जी, तो इसके लिए मम्मी उसको ये कर रही थी। तो मम्मी को पलटने नहीं जम रहा था तो मैंने फटाफट एक चम्मच लिया, मम्मी को मुझे कैसे करना है, मम्मी बोली पलटाना है बस। तो मैंने यहाँ पे उसको पलटाना शुरू किया, बस उसको पलटना है, मतलब वो नीचे से पक गया है, एकदम स्लो गैस पे पकाया है। और अभी जो है दूसरी साइड से अपने को पकाना है, तो दूसरी साइड से पकाने के लिए उसको सिर्फ उल्टा 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 करते जाना है, जो मसाला हमने भरा है मसाले की साइड में मुंह पे वो पकेगा अच्छे से। और फिर से ढक्कन रख देना है और बाद में अगर आप देखोगे तो इस प्रकार आपको दिखेगा। बाद में अगर आप निकाल के देखोगे पक ही जाता है शिमला मिर्च, पर मैं चेक कर रही थी पका है कि नहीं पका है, बट पक जाते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पे वो तो बन ही गई है सब्जी। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था रोटियाँ बनाना, रोटी बनाते समय स्वरा भी आ गई थी, तो स्वरा साइड बाई साइड में खड़ी ही थी। तो यहाँ पे मैं ज़रा आज बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही थी ताकि फटाफट हो जाए, वहाँ पे उनको बड़ी बड़ी रोटियाँ खाने की भी आदत है। तो मैं यहाँ पे फटाफट रोटियाँ बना रही थी। तवा भी मैंने जो है मेरा बड़ा वाला तवा रखा था, जो लोखंड का छोटा वाला तवा है वो नहीं रखा था, बड़ा तवा रखा था कि फटाफट रोटी बन जाए। और यहाँ पर कुकर भी ठंडा होने का वेट कर रहे थे, फटाफट फटाफट रोटी अब बेल के, बेलने का भी काम चल रहा था। बच्चे भी थोड़े बहुत उठ गए थे तो बच्चों को मनोज संभाल रहा था, यूपी भी संभाल रहे थे, मतलब मेरे बेबी भी संभाल रहे थे और मेरा राखी ब्रदर जो है मनोज वो भी संभाल रहा था। स्वरा आ गई थी तो स्वरा भी रोटियाँ सीखने का ये हेल्प कर रही थी। और हमारी थोड़ी किचन की बातें, जो ऑलवेज लेडीज़ टॉक होते ही रहता है कि लेडीज़ किचन में आए और किचन के बारे में बात ना हो या खाने के बारे में बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो किचन के हिसाब से बातें चल रही थी कि किचन में ये ऐसा रखने से ऐसा, वैसा रखने से वैसा, ये ऐसा अच्छा लगेगा, वैसा अच्छा लगेगा, ये सब चीज़ें। मतलब वो अभी उन्होंने भी कुछ घर में रिनोवेशन किया, कुछ ट्रॉली वॉली बनाए, तो फिर उस हिसाब से वो मुझे आइडिया दे रही थी कि ये अगर ऐसा बनता है तो अपना सारा सामान जो है वो हाइड हो जाता है ट्रॉली की वजह से, कोई भी सामान ऊपर नहीं दिखता। तो मैंने बोला हाँ वो तो बात सही है, बट अभी ये रेंटेड हाउस है तो यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए जो भी सामान है हम लोग को मांडनी में ही रखना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम लोग मांडनी के हिसाब से जो सामान है वो तो ऊपर दिखेगा ही दिखेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर हमारी काफ़ी बातें चल रही थी कि कैसे बनाया, कौन सा कलर चला, कि काफ़ी महीनों से मैं भी वहाँ गई नहीं हूँ, तो इसी वजह से फिर वो भी बातें चल रही थी। और फिर रोटियाँ सेकने का भी काम चल रहा था, बातों का भी काम चल रहा था, मम्मी भी साइड में खड़ी थी, मम्मी भी बातें सुन रही थी, बीच बीच में उसकी बातें हो रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, टीवी भी चल रही थी। तो परी को भूख भी लगी थी तो शायद थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कुछ खाए, तो मैंने परी को बोला कुकर, स्वरा को बोला था कुकर खोल ले, चपाती वगैरह जो है थोड़ी सी चपाती और उसको सिंपल अगर दाल लेनी है खानी है तो खाने दे। वहाँ पे देखो आपको मनोज भी दिखेगा वीडियो में, वो पिल्लू के साथ कुछ बातें कर रहा है, क्योंकि पिल्लू ना रोई रोई कर रहा था, रोने की वजह से मम्मी उसको लेके घुमा रही थी। और वहाँ पे हमारी जो बातें हैं कंटिन्यू वही थी
किचन की मनोज भी आया था, मनोज भी वही सुन रहा था कि हाँ भाई किचन में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, किचन में ही सबसे ज़्यादा इंसान को काम करना पड़ता है, खाने के खाना बनाना, नाश्ता बनाना, डिनर बनाना, फिर सारी चीज़ें मेंटेन रखना, क्योंकि क्या होता है ना अगर किचन में कुछ चीज़ें अगर अपन मेंटेन ना रखें ना तो उससे अपनी चीज़ें ख़राब भी होती है, जैसे कोई हमारे जो दाल है, जो भी चीज़ चावल है, गेहूँ है, उनको सबको रखना, रखने का तरीका भी अच्छे से होना चाहिए, तभी वो सारी चीज़ें अच्छे से टिकती है। यहाँ पे वही बहुत डिस्कशन काफ़ी डीप में चला गया था हमारा, क्योंकि कैसे होता है ना कि राइस में भी कुछ दिन बाद थोड़े से वो कीड़े टाइप हो जाता है, तो उसके लिए बोरिंग पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। गेहूँ को भी जैसे गेहूँ तो हम लोग लाते नहीं, हम लोग तो रेडीमेड आटा ही लाते हैं, बट ऐसे हमारी बातें चल रही थी यहाँ पे, क्योंकि वो लोग गेहूँ ला के गेहूँ को पिसवाते, फिर उसको चालना छानना, क्योंकि मैं तो ऑफिस जाती हूँ तो ऑफिस की वजह से तो मुझे इतना सब टाइम मिलता नहीं। अभी मैं फ़िलहाल मैटरनिटी लीव पे हूँ, इस वजह से मैं फ़िलहाल घर पे हूँ। तो आज के डिनर मेनू में ऑलमोस्ट वही सब जो भी मैंने बनाया वो मैंने आपको दिखा दिया। जैसे अभी रोटियाँ बन रही है, जैसे चपाती बन रही है, मसाला शिमला बना हुआ है, कुकर बन चुका है, तो कुकर को दाल को मेरे को बघारना होगा, राइस भी ऑलरेडी रेडी है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों का जो डिनर है वो रेडी होने के बाद हम लोग डिनर करने बैठ जाएंगे। और आज जो है सैटरडे, तो उस हिसाब से हम लोग का प्लान था कि कल ये लोग यहीं पे रहेंगे और फिर मॉर्निंग में मेरी भी भाई दूज पेंडिंग है, तो भाई दूज करने के बाद ही चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगी।